सोनीपत में बेटे की मौत के बाद परिजनों ने बहू पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक आर के कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसके छोटे बेटे की हत्या उसकी ही पत्नी ने की है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी बहू का किराएदार के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते आरोपी ने अपने पति को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। 11 तारीख को नशे वहाँ कट्ठे खाना खाया, कट्ठे सोए। सवेरे मेरा भाई आया, उस नकवाड़ को लेकर तबीयत खराब, जब मैंने देखा वो लंबे लंबे सांस ले था। फिर हम उसने अस्पताल में बाटला ले गए, बाटला ने जवाब दे दिया। फिर फैम्स में ले गए, फैम्स में डॉक्टर ने बोला अभी इसने तो उसकी जनानी को बुलाया, इसने तो कुछ खा रखा है। मैं वो आध घंटे में ख़त्म हो गया जी, मैं तो बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे को तो घर लिया है। वो एक लड़का मेरा पहले गुजर गया था, पोस्टमार्टम कराने का किसको टाइम था, बस उसमें रिश्तेदारों ने ये कहा भाई मत की चीरा फाड़ी करो भाई, क्या उसका शक नहीं था। लेकिन वो 10 तारीख को एक अखिलेश किराएदार के साथ नगर अवस्था में हमने पकड़ी, जब उसका शक होया तो इसी ने जहर देख मारे। सुमित की मौत से कुछ दिन पहले बड़े बेटे की भी कोरोना के चलते जान चली गई थी। ऐसे में परिवार को उबरने का मौका भी नहीं मिला और छोटे बेटे की भी मौत हो गई। सभी को लगा था कि तबीयत खराब होने की वजह से सुमित की मौत हुई है, मगर जब घर में कुछ गोलियां और दवाइयां मिली तो सभी की आंखें खुल गई। उससे पहले ही सुमित की पत्नी अवैध संबंधों की पोल खुलने की वजह से अपने सास ससुर को जान से मारने की धमकी दे चुकी थी। कैसे क्या हुआ था सुमित के साथ? सुमित के साथ क्या है कि मेरा दो भाई थे, एक संदीप वो 7 मई को गुजर गया था और सुमित 22 को। जब ये 22 को 21 तारीख को जब ये संदीप 13 मई करके आटे थे, हम 19 तारीख को तो एक कट्ठे थे वहाँ गांव में, कट्ठे खाना खाया सब कुछ। इसने मेरे भाई को पता नहीं क्या खिलाया क्या नहीं, उसकी जब मरने के कगार पर पहुँच गया ना, जब इन लोगों को बताया कि भाई इसकी तबीयत ख़राब है, ना तो रात ना बता देती, उसको बचा लेते हम। फिर हमने घर में कुछ गोलियाँ पाई, दवाइयाँ पाई। उसने ऐसा ही कांड एक 4 साल पहले गाँव में किया था, वो भी लड़का बीच में मर गया था, जब भी इनको गोली देती थी इसकी किडनी खराब कर दी। जो दवाइयाँ मिली हैं, फिर मेरी बहन ने उनको रंगे हाथों पकड़ा यहाँ पर 10 मई को। उसके बाद उसने श्रेयाम धमकी दी अगर भाई मैंने तेरे छोरे को तो मार दिया, मेरे मामा को हैं, और तन्ने भी 3 दिन में मार दूँ। उसके नाजायज संबंध अखिलेश के साथ, अखिलेश के नाजायज संबंध और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ही समझता, घर से टूम पैसे निकाल ले कम से कम 10-12 लाख रुपये। पुलिस को शिकायत दे दी? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी है, CM विंडो में शिकायत दे दी है, पुलिस अधीक्षक को दे दी है, SHO मुरथल को दे दी है। पुलिस कार्रवाई कर रही है कुछ? नहीं, मुरथल SHO ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, CI2 कार्रवाई कर रहा है इसमें। परिजनों को बहू पर तब शक हुआ जब पति की मौत की 13वीं पर उसकी गतिविधियां थी जो संदिग्ध लगी। इससे पहले सुमित की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने भी परिजनों को कहा था कि सुमित को कुछ खिलाया गया है। बेटा थे 10-11 बजे सी उठ के देखा छोरी उड़ पाई को टोते भी अंडे उसने पकड़ी फिर उड़े सोती कमरे में ऊपर पकड़ी थी। हाँ, को किराएदार के साथ? हाँ, किराएदार के साथ कतिनू कोली भर के सो रही थी। क्या आपके बेटे के साथ क्या हुआ? मेरा बेटा रोटी खा कर सोया था, उन्होंने रात ना तो बताई ना कुछ, एक थाली में खाना खाया और तड़के ही देखा तो उसने लामे लामे सास होया पाया मेरे बेटा। क्या बताई डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मैं गई नहीं थी डॉक्टर, ये गए थे, जहर दे के मार दिया उसने। उसकी पत्नी ने अपने पति को मार दिया? हाँ, उसने डॉक्टर ने बोला भी सारा झगड़ा हुआ था कुछ, बोली नहीं आ कि जहर खा रहा है, रोटियां में दिया उसने ये गए थे। बहरहाल सुमित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बहू और उसके प्रेमी पर केस दर्ज कर लिया है और गहनता से मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, ये एक कंप्लेंट आई है जिसमें वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि उनकी जो पुत्र वधु है उनके लड़के की देहांत हो चुका था कम से कम आज से 10-15 दिन पहले। तो उन्होंने बताया है कि जो मेरी पुत्र वधु थी वो कुछ नशे की दवाइयाँ उनको मिली है घरों में, वो उसको डाला करती थी, जिसके इफेक्ट्स की वजह से ये सारा लड़का जो उसको डेथ हुई वो बता रही। इसके कोई बाहर संबंध भी बताया उसने कि मेरी पुत्र वधु के बाहर कोई संबंध? हाँ, इस बारे में भी उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उनके कोई पड़ोस में जो उनके कोई किराएदार था तो उनके साथ उसके इलीगल रिलेशनशिप थे। बहरहाल अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है और अगर आरोपी बहू रचना और उसके प्रेमी अखिलेश पर इल्जाम साबित होते हैं तो उन्हें क्या सजा दी जाती है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।